लोके नाथम ओम तुमादिदेव पुरुष पुराणम तुमस्य विश्वस्य परम निदानम वेदाशिवेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपः वायुर्यमोग्नि वरुणम श्रांका प्रजापतिस्तम प्रतिपाल भाष्य नमो नमस्ते सहस्रकृतम पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते तुमेव कर्तासि चराचरस्य तुमेव वर्ता सदा दयालु तुमेव एवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयं त्वां सततं नमामः जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरनिरतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमसेनावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामवदगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणां प्रीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बोलो सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो राष्ट्र का विकास हो प्रोफेशनल कलाकार नहीं है आपके बीच के ही लोग हैं तो इसलिए लगातार उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए और आज का जो आकर्षण होगा ताड़ी का आपको देखने को मिलेगी ताड़ी का वध होगा सबसे पहले आपके सम्मुख होगा दशरथ जी का दरबार और उसके बाद फिर श्री प्रभु रामचंद्र जी का जन्म उसके बाद माता सीता जी का जन्म और आपको फिर देखने को मिलेंगे हमारे छोटे राम लक्ष्मण बहुत ही सुंदर बालक पहली बार इस मंच पे अपना मंचन कर रहे हैं दोनों छोटे राम और लक्ष्मण
कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर के जाऊं। सूर्य वंश की समाप्ति का कलंक का टीका मेरे ही मनहूस माथे पर लिखा था। किसी वस्तु की कमी नहीं है, परंतु यह तो मेरा प्रारब्ध ही है। महाराज, आप चिंतित जान पड़ते हैं, कृपया मुझे भी तो ज्ञात हो। किंतु अभी तक कोई संतान ही नहीं देखी। राज्यभार किसके ऊपर सौंपूं? यही चिंता मेरे मन में व्याप्त है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को किसी प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। यह आपको शोभा नहीं देता। हाँ, अपने कुल पूज्या गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए और उनकी सहमति ले लीजिए। बहुत अच्छा सेनापति जी, अच्छा मंत्री जी, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए। महाराज
परिणाम। किंतु यही
यही एक चिंता मेरे मन में व्याप्त रहती है। और खाई का अंतिम भाग व्यतीत होने जा रहा है, किंतु अभी तक मैं अपने असली औलाद से दूर हूँ। यदि गुरुजी एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता है। चांद चढ़े सूरज भये, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अनियार। अब इस विशाल राज्य को किसके हवाले छोड़ू? हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। आप शीघ्र ही जाकर सिंह ऋषि जी को बुलाइए और उत्कृष्ट यज्ञ की तैयारी कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। जो जो आज्ञा हुआ है, आप शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध करना। महाराज, मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ से जाकर सिंह ऋषि जी को खुद बुलाइए। जो आज्ञा गुरुवर। से हाथी कपड़े लगा, शुक्रिया। यहाँ पे किसी की चाबी गिरी है और मंच के आगे से ले लेना, किसी की चाबी गिरी हुई है। एक सौ एक रुपए श्री पंच आरो सिस्टम जो की हमारे रामलीला कमेटी के सदस्य भी हैं, श्री विनोद रावत जी, पंच आरो सिस्टम वाले रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार हार्दिक अभिनंदन श्री विनोद रावत जी का। अगर किसी को भी आरो लगवाना हो घर पे तो याद कीजिए पंच आरो सिस्टम को, जिसके प्रोपराइटर है श्री विनोद रावत जी। रिसीवर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। राजन, इतनी तकलीफ करी आपने,
आपका असली तात्पर्य क्या है? शीघ्र बताइए राजन। कृषि वर्ग कसरत बहुत होती और लाचार है, बल्कि जिंदगी से ही हताश है। चारों तरफ से निराशा ही निराशा छाई हुई है। केवल केवल आपके दर्शनों से मुझे कुछ धैर्य मिला है। इन हाथों से मुझे संन्यास दे दिए। दशरथ सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार है। केवल केवल और केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। राजा अब आप यज्ञशाला चलिए और सामग्री संभाली देश यज्ञ की सामग्री मंगाइए और तीनों रानियों को वही भेज दीजिए और साथ में चलिए। जो 29 points active होते हैं जब हम तालियां बजाते हैं, तो हमेशा याद रखें 29 points कम से कम इन 10 दिनों में आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। अरे एकदम तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों से जब तालियां बजेंगे तो हमारे हाथों के 29 points एक्टिव होते हैं एक साथ में और कई बीमारियां भाग जाती हैं। तो तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। 51 रुपए मास्टर अंश चमोली जी जो कि 611 बी न्यायखंड फर्श से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन मास्टर अंश चमोली जी के लिए। 111 रुपए सृष्टि रावत एंड फैमिली ब्लॉग रामलीला समिति को दान स्वरूप भेंट करते हैं, जो कि जय बद्री केदार रामलीला समिति का यूट्यूब चैनल भी है। वही आप लोगों को और जो रामलीला प्रांगण में नहीं पहुंच पाते हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से जय बद्री केदार रामलीला समिति को दिखाते हैं। तो एक बार उनका भी जरूर शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सृष्टि रावत फैमिली एंड ब्लॉग को। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, चरण जननी सीता माता की। देवता भ्यो नमः, वास्तु देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः।
सर्वे भ्यो देवे भ्यो नमः सर्वे भ्यो ब्राह्मणे भ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महाग्रहाधिपतये नमः नमो रस्य विक्रो विनाशो विनायक भूमिकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशकानि नामानि यापने निर्णालभि विद्यारण्ये विवाहे संग्रामे संकटे चैवा भेगलस्पदनिधायते शुक्लां कर्दनां कृष्णं सचिवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं धायते सर्वोपसंहारे आप यज्ञ मुझे पूर्ण आशा है कि आपके घर में पुत्रों की प्राप्ति होगी। संपन्न के औरों के घर में श्री प्रभु रामचंद्र जी का जन्म, भरत जी का जन्म एवं लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। के बाद माता सीता का जन्म होगा, फिर राक्षसों द्वारा गिरी तो वही पानी की बूंद मोती बन गई है। तो सिर्फ ये अस्था और संगत का असर होता है। जिस तरह की संगत में रहता है उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का हो जाता है। किसी शेर को यदि घर में पालोगे तो भी कल कभी काटेगा नहीं, वो भी आपके साथ खेलेगा। Thank you.
बहुत अच्छा गुरुदेव। बड़े का नाम लक्ष्मण, छोटे का नाम शत्रुघ्न रखा जाता है। बहुत अच्छा गुरुवर, बहुत अच्छा। रानी ये कही के पुत्र का नाम, ये बड़े धर्मात्मा होंगे इसलिए इनका नाम भरत रखा जाता है। बहुत अच्छा। बोले श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण लला की, भरत लला की, शत्रुघ्न लला की। सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री कैलाश नैनवाल जी का टेंट एवं कैटरिंग का कार्य है और श्री गणेश प्रसाद नैनवाल जी जो कि एक्स आर्मी मैन है और बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर है। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। श्री स्वयं सिंह नेगी जी से अनुरोध करता हूं कि श्री कैलाश नैनवाल जी का अंगवस्त्र प्रदान करके हार्दिक स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार तालियां अतिथि देवो भव। श्री भगवती सिंह पवार जी श्री गणेश प्रसाद नैनवाल जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और मैं जय भद्री केदार रामलीला समिति की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना अमूल्य समय जो हमें दिया उसके हम आभारी हैं। दो शब्द कुछ बोलना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण गति की, माता सीता की। धन्यवाद 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 जी। आपके साथ में यहाँ 10-12 दिन का जो संबंध होता है। बच्चा का क्या हाल है महाराज, क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने से प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी इसका उपाय शीघ्र होना चाहिए। महाराज जो किसी का कहना है कि यदि महाराज स्वयं हम चलाएं तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा के सब दूर हो जाएंगे और
अवश्य वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हूं। मंत्री जी, हल का प्रबंध कीजिए। ऋषियों का कहना है कि स्वर्ण हल होना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण हल का प्रबंध कीजिए। जय के जी से जय के जमर धारा
चोरी है या सारा दिन यूं मैं देखो अपने से शिकार निकला जा रहा है। मैं भी चाहता हूँ और तुम्हारी मौत का सम्मान करता हूँ।